Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. एक ऐसी जमी बस मैजिक है जहाँ हर सू ताकत का समान, ना जाने कोई कौन बीज बन जाए और किसी के हाथ ना आए। साजिशें नफरतें बढ़ती ही जाए, शहजा देख न पाए, खतरों से ना डरे ना वो घबराए, मंजिल से हम एक आइलैंड पर फंस गए थे। वहां नेगेटिविटी इतनी ज्यादा थी कि हम एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गए, लेकिन हमारी दोस्ती ने हमें कामयाब कर दिया और हम वहां से बच निकले। अब हमें अपने जहाज को शुरू से बनाना होगा, मगर गोल्डन पैलेस में कुछ और ही प्लान्स बन रहे थे। झुक जाओ सुल्तान के आगे और डरो सुल्तान के गुस्से से। तुम लोगों ने इस साल की टैक्स अदा क्यों नहीं किए? सुल्तान मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं दे पाता आपका टैक्स। दुनियाजार, थैंक यू वेरी मच। जब से तुमने मुझे ये खिलौने दिए हैं बहुत मजा आ रहा है मुझे। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको अच्छे लगे, लेकिन एक बात याद रखें कि मैंने आपको खेलने के लिए नहीं दिए थे। फिर किस लिए? ये मैंने आपको इसलिए दिए थे शाहजमान, कि आप इससे जंगी हथकंडे सीखें और इसे हमारे दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करें क्रिस्टल सिटी में। ओह अच्छा, तो ये बात है क्रिस्टल सिटी। क्या उनके साथ हमारी सुलह हो चुकी है? नहीं, एक सुल्तान सिर्फ सुलह नहीं करता बल्कि वक्त आने पर जंग भी करता है। जंग? क्या ये जरूरी है? इससे चोट लग सकती है। शाहजमान, सारे क्रिस्टल सिटी में ये बात मशहूर है कि आप कमजोर हैं और आप में जंग लड़ने की हिम्मत ही नहीं। ऐसा है तो जंग होगी और अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वहाँ नहीं, पोर्ट साइड की तरफ माय ब्लू फ्रेंड। किस तरफ है पोर्ट साइड? इस तरफ या उस तरफ? तुम भी ना बहुत सीधे हो, पोर्ट साइड यानी के जहाज के सामने। बस यही ठीक है। शुक्र है मैं बच गया। ये काम अकेले नहीं हो सकता, हमें चाहिए वर्कर्स। ठीक है, लेकिन वर्कर्स को पैसे देने पड़ते हैं और हमने तो सारे पैसे खर्च कर दिए। तो फिर वॉक आइलैंड कैसे जाएंगे? Hey, don't worry, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, है ना? क्या? वो जजीरे से फरार होने में कामयाब हो गए? जी मालकिन। ये सब उस गद्दार शेरजाद ने किया होगा। अब वो आजादी से पोर्ट टाउन में घूम रही होगी। मुझे जल्द से जल्द करीम और उसे पकड़ना ही होगा। जंग होगी सुल्तान ऑफ यूनान। अगर मैं जंग छेड़ दूं क्रिस्टल सिटी के साथ तो ये काम आसानी से होगा। जैसे ही उनको पता चलेगा वो क्रिस्टल सिटी को बचाने जरूर आएंगे। वेलकम। ये क्या है? अच्छू, ये एक अजीम जिन है मालकन, जो कोई भी इसे रिहा करेगा ये उसको खत्म कर देगा। तो इस तरह हमारा काम आसान हो जाएगा। तो तुम्हें मैजिकल चैम्बर से ये मिला है? बहुत खूब मेरे इम्स। तुम यहाँ क्योंकि होगी अब जंग। तुम्हें सुल्तान का हुक्म मानना है यानी मेरा,
बहुत जल्द हम क्रिस्टल सिटी पर कब्जा कर लेंगे। यकीनन इससे बेहतर वक्त तो कोई हो ही नहीं सकता जंग का मेरे सुल्तान। ओह, इतनी प्यारी खुशबू कहाँ से आ रही है? बिल्कुल मसालेदार। खुशबू तो यहीं से आ रही है, शायद यहाँ से। तो वो मॉन्स्टर करीम और उसके साथी जहाज बनाने में मसरूफ हैं। वाओ, क्या बात है। इस तरह वो कभी नहीं जान पाएंगे हमारे सीक्रेट प्लान को कि हम बहुत जल्द क्रिस्टल सिटी के साथ जंग करने वाले हैं। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि शेरजाद को इसका इल्म हरगिज ना हो, वरना वो क्रिस्टल सिटी वालों को हमारे हमले के बारे में खबरदार कर देगी, और अगर ऐसा हुआ तो तुम दोनों की खैर नहीं होगी, समझ गए? ये तो बहुत बुरी खबर है। हमें फौरन क्रिस्टल सिटी जाकर सुल्तान यूरान को बताना चाहिए। जमाल के साथ जल्दी पहुंच सकती हूँ वहाँ मैं। ये नहीं हो सकता, इट्स टू डेंजरस। तुम अकेले नहीं जा सकती। मैं अकेली नहीं हूँ, बहादुर जमाल है मेरे साथ, और मशवरे के लिए समझदार हलील है। हाँ। समझदार वो तो मैं हूँ, इसके साथ साथ बहादुर भी। तो आज हमला करेंगे क्रिस्टल सिटी पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये लड़ाई बहुत ही बहादुरी और जज्बे के साथ लड़ेंगे। बहुत अफसोस है मुझे इस बात का, मैं आप लोगों के साथ शामिल नहीं हो सकता इस अजीम दिन पर। तो क्या आप लीड नहीं कर रहे मेरे सुल्तान? क्या कहा? सोचो अगर तुम्हारे सुल्तान इस लड़ाई में मारे गए तो सल्तनत कैसे चलेगी? माजरत चाहता हूँ आपसे मेरे सुल्तान, मैं समझ गया, मैं ही लीड करूँगा। और मुझे यहाँ रुक कर जंग के मामला को अच्छे से चलाना होगा, मतलब प्लानिंग। नीचे नजर आ गया, या तो वो तालाब है या फिर शराब। हाँ, तालाब ही है। चलो जमाल वहाँ नीचे चले। अब बताओ शेरजाद, तुम्हारी हिफाजत कौन करेगा? अब तो वो मॉन्स्टर भी नहीं यहाँ पाए, बच कर दिखाओ। जमाल पानी पी लो, हमें दोबारा रुकने का वक्त नहीं मिलेगा क्रिस्टल सिटी जाने से पहले। फौरन जाओ मेरे लिटिल एम्स, ख्याल रखना किसी को पता ना चले। ये क्या चीज है? वहाँ क्या पड़ा है हलील? देखता हूँ मैं। रुको हलील, नहीं। हुक्म करो, जिन हाजिर है तुम्हारे लिए। ये तो जिन है, मैंने तो पहली दफा देखा है इतना बड़ा जिन, डर लग रहा है। हाँ, ये है कौन? मुझे भी डर लग रहा है। डरो मत, मैं एक बहुत अच्छा ताकतवर जिनों का सरदार हूँ। कुछ भी कर सकता हूँ मैं तुम्हारी थ्री विशेष पूरी। Three wishes? इन पर मुसीबत कब आएगी? तुम दोनों ने किया क्या? जल्दी ही आ जाएगी मालकन। पहले तीन विशेस पूरी होगी और उसके बाद सिर्फ तबाही होगी। इस तरह वो अपनी कोई भी विश पूरी कर लेंगे। Three wishes? क्या यही कहा तुमने? मेरा ख्याल है तो फिर सबसे पहले करीम को सुल्तान बनवाना चाहिए। ठीक कहा ना शेरजाद? लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जंग रुक जाए, उसके बाद हम करीम को ठीक कर सकते हैं। मैं किसी भी बात का जवाब सिर्फ इस
बिस्कुट को दूंगा। ये बिस्कुट तुमने किसको कहा? हा? किसको कहा ये पूछ रहे हो? मैंने तुम्हें कहा है बिस्कुट। ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाहे मैं कह सकते हूँ। इनकी विश है कि क्रिस्टल सिटी में होने वाली जंग रोक दी जाए, है ना? तुम कुछ बोलो, पिप्सक्विक। मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम इससे अपनी 3 विशेस पूरी करवा सकते हैं तो क्यों ना अभी करवा लें? तो क्या ये हमें अभी बहुत बड़ा सा चराग ला के दे सकता है? जो हुक्म, ये कौन सी बड़ी बात है? ये लो अभी। नहीं रुको, ये वाली विश नहीं। बुरा तो ये भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और बड़ा और हवादार होता तो मजा ही आ जाता, और साथ में अगर स्विमिंग पूल भी होता तो। जाए, ऐसी कोई भी विश मत मांगिएगा। जो भी ख्वाहिश करना सोच समझ के करना, समझ आ रही है ना पिप्सक्विक? हलील, मुझे इस पर भरोसा नहीं। विश करोगे वापस बॉटल में चला जाए। अभी हमारी 2 विशेस बाकी रहती है, इसलिए मेरी ख्वाहिश है तुम चुप रहो। तो खामोश कर देता हूँ उसे। क्या बात, सुनो, स्टॉप। हलील, तुमने क्या किया? नो, ये मुझसे क्या हो गया? अब तुम्हें कैसे नॉर्मल किया जाए? तुम सिर्फ बोलो, तुम्हारे ख्वाहिश करते ही ये ठीक हो जाएगी। जबरदस्त, जल्दी से लास्ट विश पूरी करो ताकि मैं इन्हें खत्म होता देख सकूं। अब मुझे क्या विश करनी चाहिए? लड़ाई बंद करें, करीम को तब्दील कर दें, या फिर तुम्हारी मदद? समझ नहीं आ रहा। टूवर्ड्स। अच्छा, तुम्हारा मतलब वापस जाओ। विक्ट्री। अच्छा, स्टॉप फाइटिंग। तो क्या? मेरा ख्याल है कोई दरवाजा, दरख्त, समंदर, पानी, आखिर क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, समझ गया मैं, स्टॉप फाइटिंग। ये विश तो पूरी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद तुम न खा सकती हो, न गा सकती हो, और न ही कुछ बोल सकोगी, समझी? फिर तो मजा ही आ जाएगा। जल्दी से अपनी तीसरी ख्वाहिश बताओ। अच्छा चलो, ठीक है, तेरी ख्वाहिश है कि शेरजाद ठीक हो जाए। यस। ओह हलील, ये तुमने क्या किया? मुझे तुम्हारी आवाज सुननी थी। मैं तो कहता हूँ चलते हैं, शहर जाकर क्रिस्टल सिटी को जंग के बारे में भी बताना होगा। तुम कहीं नहीं जा सकते। क्या कहा आपने? तुम्हारी 3 विशेस पूरी कर दी मैंने पिप्सक्विक, अब मैं तुम्हारे ताबे नहीं हूँ, मैं आजाद हूँ। देख लो, जो चाहे मैं कर सकता हूँ, तुम्हें दबा। तो क्या ये बातें पहले नहीं बता सकते थे हमको? काम हो गया एम्स। चलो जल्दी से रिंग में चलो, इससे पहले कि हम भी तबाह हो जाएं। दुनिया साथ, मुझे पता होना चाहिए था। ये जमीन भी मेरी बेपनाह ताकत से कांपती है। वाओ, कि वाकई इंप्रेसिव है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इससे ज्यादा बड़े हो सकते हो। तुम अब देखो जरा। बस इतने ही, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, मेरे लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। पता है, ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं कर सकते। वाह वाह, लेकिन एक चीज है जो आप नहीं कर सकते हैं। मैं जिनों का सरदार कुछ भी कर सकता हूँ। Really? फिर मैं शर्त लगाती हूँ कि आप वापस इस बोतल में फिट नहीं हो सकते। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। अरे वाह, हमें फौरन क्रिस्टल सिटी जाना है और आप हमारे साथ चलेंगे।
आखिरी बार मिले थे तो आप ये साबित करने की कोशिश कर रही थीं कि वो नीले रंग का मॉन्स्टर दोस्त शहजादा करीम है और यही गोल्डन सिटी का असली सुल्तान है। बाबा सुनिए तो सही, वो कहना क्या चाह रही है आप? टाटा 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 नहीं नहीं नहीं, आपका मतलब है कि शाहजमान मेरे शहर पर हमला करने आ रहा है? मैं नहीं मानता इस बात को। लेकिन ये सच है, वो आर्मी बस पहुंचने ही वाली है, आप चाहे तो खुद देख लें। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा, इसे यकीनन कोई गलत फहमी हुई हो। ये गलत है, ऐसे कैसे हो सकता है? जब हमारे दरमियान सुलह हो गई थी तो ये सब क्या है? अब हम अपने आप को इन लोगों से कैसे बचाएंगे? अब तो हमारे पास इतना वक्त भी नहीं कि हम इन लोगों का मुकाबला कर सकें। गोल्डन सिटी की फौज तो शहर के अंदर दाखिल हो चुकी है, कोई आइडिया है उन्हें कैसे रोका जाए? जादू करना सही, उसकी बेटी सही, भरोसा करना होगा खुद को बचाने के लिए। क्या आवाज है सुल्तान यूनान, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। हमले के लिए तैयार हो जाओ, कोई भी हमसे बच के ना निकल पाए। अटैक! ठीक है, तुम्हारा कहने का मतलब है ये ग्रेट जिन मेरी तीन ख्वाहिशात पूरी करेगा। मतलब मुझे इस मुसीबत से बचने के लिए तुम्हारी बात पर अमल करना पड़ेगा। जी हाँ, यही एक रास्ता है सुल्तान, वरना हम तबाह हो जाएंगे। क्या तुम ठीक कर रही हो सब कुछ? मैं भी नहीं जानती, लेकिन आप जल्दी छुप जाएं इससे पहले वो आपको पहचान ले। पिपस्क्वीक। चलो, इसमें तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, इसको बाहर निकाल के देखते हैं। हुक्म करो, जिन हाजिर है तुम्हारे लिए। तुम्हें आजाद कराने वाला मैं हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी ख्वाहिशात को पूरा करना पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं, बताओ अपनी तीन ख्वाहिशात। ऐसा कुछ नहीं जो मैं कर ना सकूं, मेरे पास बहुत ताकत है। तुम वही चालाक लड़की हो ना जिसने मुझे दोबारा कैद कर दिया था बोतल में। विश करें कि शाहजमान की आर्मी वापस चली जाए गोल्डन सिटी। ठीक है, मैं विश करता हूँ कि इसी वक्त शाहजमान की फौज वापस चली जाए। फौजियों चले जाए। रुक जाओ, उस तरफ नहीं जाना। और ये मैं किस तरफ जा रहा हूँ? मुझे तो कोई जादू लग रहा है। मैं जिनों का सरदार बोर होता हूं इंतजार करने से। बताओ अपनी विश, शकल हैट। शकल हैट? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो भी मेरा। बदतमीजी है ये। हाँ, मुझे आपको बता देना चाहिए था, ये काफी बदतमीज जिन है। मेरी अगली ख्वाहिश ये है कि शाहजमान और दुनिया साथ अच्छे हो जाएं और गोल्डन सिटी के हर एक शहरी के साथ नरमी और अच्छे तरीके से पेश आएं। पूरी हो जाएगी ये ख्वाहिश। मुझे तो ये सोच कर ही अच्छा लग रहा है कि बनने वाला हूँ मैं क्रिस्टल सिटी का सुल्तान। लेकिन वो जो गरीब लोग होंगे उनका क्या होगा? ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके लिए बहुत जल्द टैक्सेस की माफी का ऐलान करूंगा और साथ ही बेहतर एजुकेशन का भी ऐलान किया जाएगा और वेलफेयर का भी।
क्या? मालूम भी है आप बोल क्या रहे हैं। पहले हमें दुश्मनों को खत्म करना होगा ताकि हम कंट्रोल हासिल। बिल्कुल सही, आर्ट्स एंड कल्चर को प्रमोट करना चाहिए हमें। और हाँ, लोगों को आजादी होनी चाहिए अपनी बात कहने की और जिंदगी गुजारने की। यस, पहली बार एक अच्छी बात सुनी है। ओह मेरे सुल्तान, अकेले कहाँ जा रहे हैं? मैं भी आ रही हूँ आपके साथ। बताओ मुझे अपनी तीसरी ख्वाहिश भी ताकि आजाद हो जाऊँ मैं तुमसे। जल्दी करो शक्ल हट ताकि मैं उस लड़की से निमट सकूं। आपको आपकी आखिरी वश याद है ना? और मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि आप जिस बोतल से निकले थे उसी बोतल में वापस चले जाएं। ये नहीं हो सकता। नहीं। ग्रेट जिन, उसूल आपके ही थे, हमने तो सिर्फ गेम बेहतर खेली। ये लो, हाँ तुम भी लो, सबको मिलेगा, सबके लिए है, बहुत कुछ। वाह वाह वाह, किसी को फिकर नहीं करना है, कोई फिकर नहीं करेगा, सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं चाहती हूँ, क्यों ना हम ये कॉइन्स रोज बांटे मेरे सुल्तान, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी ले, आप भी लीजिए। आज आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी थी शहरजाद, इसलिए मैं ये चाहूँगा कि आप यहीं कयाम करें हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मुझे एक अहम मिशन पर जाना है। ओ, तो क्या आप मुझे बताएंगी? ये आपके लिए और ये तुम्हारे लिए, और लो। क्या हो रहा है यहाँ? मैं दे रहा हूँ और तुम लोग ले रहे हो, बता भी नहीं रहे कि ये मेरा है। सब अपने हाथ खाली करो और यहाँ से फौरन चले जाओ, ये कॉइन सिर्फ मेरे हैं। वो वापस दो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये मेरा है, मेरा। जहाज बनाने के लिए सिक्के चाहिए ताकि हम वॉक वॉक आइलैंड जा सके। वॉक वॉक आइलैंड? कभी नाम नहीं सुना इसका। क्या ये वॉक वॉक आइलैंड तुम्हारे उसी मॉन्स्टर दोस्त का है? सिर्फ उसी का ही नहीं बल्कि गोल्डन सिटी के फ्यूचर का भी। तुम एक बहादुर और अक्लमंद लड़की हो, बिल्कुल अपने बाप की तरह। मैं कोई ग्रेट जिन नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करूँगा। इससे तो हम वर्कर्स की पूरी फौज खरीद सकते हैं। यस, ये सब आपके लिए है दोस्तों, ये लें, रख लें। शुक्रिया। बहुत जल्द आपका कैप्टन आपको वॉक वॉक आइलैंड ले जाएगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ मैं कहाँ बैठूंगा, वही अपनी फेवरेट विंडो सीट पे। कहा था ना रास्ता मिल जाएगा। हाँ सही, बहुत जल्द हमें मंजिल मिल जाएगी। और अगले दिन हम वॉक वॉक आइलैंड के लिए निकलेंगे, लेकिन रास्ते में हम कुछ ऐसे जाइंट से मिलेंगे जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन ये सब एक नए दिन की कहानी है। एक ऐसी जमीन बस मैजिक है जहां हर सू ताकत का समान, ना जाने कोई कौन बीज बन जाए और किसी के हाथ ना आए। साजिशें नफरतें बढ़ती ही जाए, शहजाद देख ना पाए। हमने आहिस्ता आहिस्ता अपना जहाज बनाना शुरू किया। जब हमें पता चला कि दुनिया जात क्रिस्टल सिटी पर
इधर चलो। ओह दुनिया साथ, मैं खुद भी आना चाहता था आपके पास, लेकिन ऐसा है ना कि मैंने इनको बताया था कि थोड़ा काम है मुझे, तो जाना पड़ेगा। ओके बाय। तुम मेरे लिए काम करते हो? ऐसा है, देखिए अभी रुक नहीं सकता, जाना होगा मुझे, मेरी मीटिंग है। सब कितना छोटा छोटा लग रहा है। पोटर, मैं चाहती हूँ तुम इस जहाज पर जाओ। उस जहाज पर नहीं, जब मैं लास्ट टाइम इनके साथ था तो वो तकरीबन। खामोश रहो, तुम जानते हो कि मेरे हाथ में क्या है? ओह, नेक्रोमेंटिक नेविगेशन नीडल। वाकई आपने कहाँ से ली? ये तो हमेशा सिंधबाद के पास होती है। देखो बस ये करना है तुम्हें कि बोट पर जाओ और इसे असली वाले से बदल कर ले आओ। ओह फेक कंपास, यू तो आपके दुश्मन रास्ता भटक कर तूफान में फंस जाएंगे। बहुत चालाक हैं, लेकिन थोड़ा ख्याल से हाँ। तो तुम मेरा काम नहीं करोगे? नहीं मैं नहीं करूँगा। ओके बाय। वेल, तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है पोटर। आओ मिलकर इसे खाते हैं, बड़ी भूख लगी है, बहुत मजा आएगा। रुक जाओ पोटर को सोचने दो, शायद इसका फैसला बदल जाए। लेडी, आप जानती तो है मैंने आपको कभी मना थोड़ी ना किया। पोटर आप यहाँ पर? शहजाद थोड़ा आहिस्ता, ये उठ जाएगा। अरे वाह, चांद की रोशनी में आपके बाल और हसीन लगते हैं। रुके, आप यहाँ क्यों आए थे? ओह मैं तो बताना ही भूल गया, मैं आपके लिए स्पाइसी खानों का मसाला लेकर आया हूँ। यहाँ रख लीजिए, वाटरप्रूफ है। शुक्रिया, लेकिन आप इतनी रात को क्यों लेकर आए हैं ये? आप तो जानती हैं कि मेरा दिमाग अपनी जगह पर नहीं रहता, लेकिन वजह ये है इतनी रात को जो मैं यहाँ चला आया वो इसलिए कि मेरा आप लोगों के बगैर दिल बिल्कुल नहीं लग रहा था। वाकई, मैं सोच रही थी कि शायद हमारे पिछले सफर पर आपने एंजॉय नहीं किया। यस, और शायद आप हमें मिस कर रहे हो इसलिए दोबारा यहाँ आए। क्या, कहाँ से ले आते हो तुम इतने मजाकिया जोक्स? जब भी इसकी बातें सुनता हूँ हंस हंस के पागल हो जाता हूँ मैं। अगर तुम अपनी उस तेज मिर्च वाली करी की तारीफ कर रहे हो तो सुनो, मैं उसे चूहों को भी नहीं खाने दूंगा। ठीक है, आप हमारे साथ चल सकते हैं। और मुझे भी कोई एतराज नहीं। आपके साथ? ठीक है, मैं चलूंगा जरूर। शक तो नहीं हुआ किसी को? ओह हुआ था, लेकिन मैं होशियार रहा। मैंने उनको बताया कि मेरा उनके बगैर दिल नहीं लग रहा था और उन्होंने मुझ पर यकीन कर लिया। तब तो मेरे और काम आ सकते हो। वाकई मैं हर किसी को मजाक सोच रहा है। तुम्हें हर कीमत पर वहाँ जाना होगा क्योंकि मैं उन्हें शक में नहीं डाल सकती, समझ गए पोटर? लेकिन वो लोग तो स्टॉर्म बैरियर के लिए रवाना हो गए और ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत डर लगता है मुझे, मैं ये नहीं कर सकता। लिटल लिम्स, लगता है तुम्हारे खाने का वक्त हो गया। ओके ओके, मैं सफर करूंगा आपके साथ, लेकिन इन मॉन्स्टर्स को दूर कराओ मुझसे। खुला समंदर वैसे तो बहुत खौफनाक लगता है क्योंकि हर तरफ पानी होता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो क्या कहते हो इस मौके पे एक गाना हो जाए? इन लहरों के संग हमें चलते जाना है। और अटेंशन प्लीज, एक मर्तबा फिर हम अपने सफर का आगाज करते हैं स्टॉर्म बैरियर को पार करने के लिए, वो भी इस नेक्रोमेंटिक नेविगेशन के साथ। हमें इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं क्योंकि ये हमें बिल्कुल सही रास्ते पर लेके जाएगा। नेक्रोमेंटिक नेविगेशन नीडल, देखो इसे कितना शानदार है ना। मालकन ने वादा किया था कुछ खास खिलाने का,
थोड़ा इंतजार करो मेरे लिटिल एंस, जैसे स्टॉर्म बैरियर शेरजाद का इंतजार कर रहा है। इसे क्या हुआ? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जहाँ से आए हैं ये वहीं जाने का इशारा क्यों दे रहा है? क्या मैं देख सकती हूँ इसे? ओह नो, मुझे मालूम था कुछ गलत होगा। ये हमें सही रास्ते पर नहीं ले जा रहा, क्योंकि ये एक आम सा कंपास है। तो क्या ठीक नहीं हो सकता? नहीं, ये नेविगेशन नीडल ही नहीं, ये नकली है। अभी भी हम स्टॉर्म बैरियर से दूर हैं। बेहतर होगा कि हम अपना रुख मोड़ दें। अगर ऐसा है तो मैं कोशिश करता हूँ। रुके, पोर्टर! कल रात आप हमारे जहाज पर आए थे और ये यकीनन आपने किया है। बेहतर है कि सच बोलो। Steady the pop stay, down hall and aft away. तो तुम दरअसल चोरी की नियत से आए थे कल रात। क्या किया जाए तुम्हारे साथ? मेरे सारे सिक्के गिर गए, सारे मुझे नीचे। हमने आप पर भरोसा किया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? कोई जवाब नहीं तुम्हारे पास, नीचे फेंको तुम्हें। प्लीज मुझे ऊपर खींचो, मैं सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। जल्दी बताओ। मैं मानता हूँ, लेकिन दुनिया साथ ने मुझे मजबूर किया। दुनिया साथ? तुम पर भरोसा करके हमसे गलती हुई, तुम्हारी वजह से हम डूब सकते हैं। माफ कर दे, I'm so sorry. मैं जानता हूँ कि मेरी हरकत की वजह से हम सब डूबने जा रहे हैं। मगर तुम नहीं, तुम्हें मैं डूबने से पहले मारूंगा। रुक जाए। तुम्हें मैं बाद में देखता हूँ। ओ शेरजाद, तुम तो मछलियों की खुराक बनने वाली हो। खेल खत्म। ये लोग वापस आ रहे हैं। नहीं, वो एक बार फिर बच निकली। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सिंबाद, क्या आप जानते हैं हम कहाँ हैं? हम लोग एक और नई मुसीबत में हैं। हाँ, लेकिन ये इलाका जाना पहचाना है। हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी। ये जगह कौन सी है? ये गूल जाइंट्स का आइलैंड है। गूल जाइंट्स हमेशा भूखे रहते हैं, हमारी तरह, हमसे भी ज्यादा। फिर तो मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगी। शेरजाद स्ट्यू किस तरह बनता है, ये भी तो सिखाना है ना उनको। कुछ हमें भी सिखा दे मालकन। मेरा सोना सब चला गया, काश के मैं वो अपने साथ लाया ही ना होता। मेरा खाना, ये तो बोलता भी है। वाह, यम यम बोलता खाना। यम यम यम। कुछ सुना? लगता है कोई इस तरफ आ रहा है। हो सकता है कोई मदद मिल जाए, यहाँ के लोग फ्रेंडली हो। चलो इस्तेमाल करते हैं उसका। मजेदार खाना, यम यम यम। मजेदार खाना, यम यम। आज तो मैं पेट भर के खाऊंगा। मेरी मदद करो। मैं नहीं करूंगा। इसने जो कुछ भी हमारे साथ किया, इसकी वजह से इसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। सिंबाद, उसे सजा मिलनी चाहिए, और कोई भी सजा हो हम देंगे, ना कि वो चीज देगी। ठीक कहा तुमने, लेकिन पहले यहाँ से निकलने के बारे में सोचना है। वेल, ये तो बिल्कुल जिन की तरह नजर आता है, गूल जाइंट। हो सकता है कि ये हमारे किसी काम आ सके। गूल जाइंट्स?
यम यम यमी मुझे गोश्त की खुशबू आ रही है, क्या खाना मिला? नहीं, मेरे पास कोई खाना नहीं है और बोलने वाला खाना तो बिल्कुल नहीं, कोई सा भी खाना नहीं है। सच में बोलने वाला खाना? ये बोलने वाला खाना क्या होता है? क्या होता है? आपको कुछ मिला खाने के लिए? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। तुम पीछे क्या छुपा रहे हो? छुपा रहा हूँ बोलने वाला खाना, ये देखो। मदद करो मेरी। ये तो मामूली सा खराब हुआ है, फिकर मत करो, मैं जहाज को जल्दी ठीक कर लूंगा। सो हलील, और कुछ सुना है इनके बारे में? हाँ सुना है, लेकिन सिर्फ तुम्हें बताऊंगा। और वो ये कि गुल जाइंट पत्थरों की तरह होते हैं, लेकिन ये पत्थरों की तरह बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये गोश्त खाते हैं। और इसकी वजह सिर्फ ये है कि ये जजीरे पर रहते हैं। और इसके अलावा ये के लोगों के खाने की आदत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, जैसे कि वो लोगों को खाते हैं। हाँ यही तो है। मैं तो कहता हूँ कि उसे भी खा जाए वो, क्योंकि पॉटर का तार है, झूठा है वो। मैं तो कहता हूँ उसे यही छोड़ के जाना चाहिए। कौन है मेरे साथ? बेहतर है कि हम दरख्त के पीछे छुप जाएं। उधर बोलने वाले खाने, तुम कहाँ हो? यहाँ हो क्या? बाहर आओ बाहर आओ, मुझे भूख लगी है। बोलने वाले खाने, ये तो बोलने वाला खाना नहीं। मेरा जहाज, वो मेरे जहाज को तोड़ा है। इस तरह तो हम यहीं फंस जाएंगे। मैंने अपना इरादा बदल लिया। देखना तुम लोग, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसे मजा चखा के रहूंगा। स्टॉर्म बैरियर, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे बहुत खतरनाक बीमारी है, मुझे खाकर तुम भी बीमार हो जाओगे। इस खाने से तो मेरा पेट नहीं भरेगा। अब रास्ता क्लियर है, अंदर चलते हैं। तुम लोग बेफिक्र होके जाओ, क्योंकि हलील की नजरों से बचकर कोई भी नहीं जा सकता। तुम लोग मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन जरा जल्दी आना, क्योंकि यहाँ की गर्मी मुझे मार रही है। क्या तुम लोग यहाँ मेरे लिए आए हो? ये मत समझना कि हमने माफ कर दिया आपको, लेकिन वो घूल जाइंट्स आपको सजा नहीं दे सकते। मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगा, माफ कर दीजिएगा मुझे। हटो पीछे, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। इतनी गर्मी, मुझे तो डर है मैं पर्पल से काला ना हो जाऊं। आखिर ये लोग कहाँ रह गए? वाह, खाना तो खुद ही चल के आ गया, यानी बोलने वाला खाना चलता भी है। सब खा जाऊंगा। देखिए, हमारा जायका इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर जाकर मसाले ले आए तो खाना मैं बनाऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बोलने वाला खाना हमारे लिए खुद तैयार होगा। Good idea. No, no. मैं अभी जाके मसाले लेकर आता हूँ। मेरा मतलब ये नहीं था। आपके मसाले? ये सही है। Excuse me, Moses Ghoul Giant. जी हाँ आप, क्या आपको अच्छे मसालों की जरूरत है सालन के लिए? Well, कल ही मेरे एक अच्छे दोस्त ने मुझे ये मजेदार मसाले दिए हैं। आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्या ये भी तुम्हारी तरह गद्दार हो गई है?
मजेदार, लेकिन शायद आपके लिए कुछ ज्यादा मजेदार होंगे। चले रहने दें। नहीं, नहीं, मुझे चाहिए, चाहिए, चाहिए। तैयार रहो, हमारे पास सिर्फ यही एक चांस है। आपने अच्छा पहरा दिया हलील। मैं तो बहुत ध्यान से पहरा दे रहा था, लेकिन सूरज से जैसे ही मेरी आंखें बंद हुई वो फौरन अंदर चला गया। सॉरी। हमारा खाना कहाँ गया? बोलते खाने ने मेरी आंखों में कुछ फेंका और वो फिर फरार हो गए। खाना भाग गया। बोलता खाना भाग गया और तुमने कुछ नहीं किया? अभी तो तुम्हें बताया है कि उन्होंने मेरी आंखों में कुछ फेंक दिया और मुझे चकमा देकर भाग गए। तुम ये मत समझना कि इस मर्तबा भी कोई चालाकी कर सकोगे। बात सुने सब मेरी, वहाँ ऊपर देखें, वो दुनिया आजाद है, वो जाइंट्स की गार में जा रही है। हमें वापस जाना होगा क्योंकि उसके पास नेविगेशन नीडल है। मैं कहता हूँ अभी अंदर चलते हैं। सही बात है, शामिल कर ले मेरा भी वोट। आप वोट नहीं दे सकते पोर्टर। ठीक है। मैं एक लड़की को तलाश कर रही हूँ, क्या तुम में से किसी ने देखा है? हाँ हाँ, हमने देखी भी और नहीं भी देखी। मतलब क्या हुआ कि देखी भी और नहीं भी? हमने देखी मगर फिर हमें नहीं देखी। हम तो खाने के पीछे थे मगर खाना भी मिला नहीं। पता नहीं ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, मैं जिस लड़की को ढूंढ रही हूँ वो ब्लू मॉन्स्टर के साथ थी, तो बताओ मुझे कि देखा है उन्हें या नहीं। पहले तुमने पूछा लड़की, अब पूछ रही हो मॉन्स्टर। तुम बताते क्यों नहीं कि उनमें से किसी को देखा है या नहीं? ये वाला बोलता खाना कुछ ज्यादा नहीं बोलता। बोलता खाना? मैं बोलता खाना नहीं हूँ, मैं एक पावरफुल जादूगरनी हूँ। ये क्या हो रहा है? बोलता खाना उड़ भी रहा है। ये तो बोलता खाना उड़ता भी है। देखो, ये तो बड़े मजे का होगा, खा के देखेगा इसको। तुम्हारी इतनी हिम्मत। The navigation needle. अब हम कंपास बदलते हैं। रुको रुको, मेरी बात सुनो। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो उसके बदले में मैं तुम्हें वो बोलता हुआ खाना दे दूंगी। क्या ख्याल है? ये आवाज कैसी है? लगता है इस बार बोलता खाना चल के आया है। यम यम। हेलो माय लेडी। तुम शेरजाद कहाँ है? एक हादसा हो गया माय लेडी, सी मॉन्स्टर ने वो सबको निगल लिया, मैं अकेला ही बचा हूँ। सी मॉन्स्टर? झूठ तो नहीं कह रहे ना? नहीं झूठ नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। वो बोलता खाना तो यहाँ से भाग गया, लेकिन बुरा ये भी नहीं है। छोड़ो मुझे। क्या तुम कुछ मजेदार खाना पसंद करोगे? बहुत भूख लगी है, तो फिर चलो। यकीन है तुम्हें मेरे खाने में मजा आ रहा होगा, है ना? अब हम सेफली गोल्डन सिटी पहुंच जाएंगे। स्टॉर्म बैरियर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्टॉर्म बैरियर? हम तो उड़ते हुए जाएंगे ना उसके ऊपर से, ऐसे हम लोग महफूज भी रहेंगे, है ना? उससे ऊपर होंगे। क्या अजीब बात कर रहे हो, मैं स्टॉर्म बैरियर से गुजर कर आई हूँ, मत भूलो मेरे पास निडल है। लेकिन ये ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है।
खुशाबदीद लिटिल सुलेमान, हमारी अगली मंजिल होगी वॉक वॉक आइलैंड। शुक्र है हम लोग बच गए, क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल, लेकिन पोटर ने आखिर में उसने मदद की हमारी, आई होप वो ठीक हो। बहुत अच्छे। और अब आगे आने वाले सफर के बारे में एक समंदर का गाना। इन लहरों में खो जाए आओ मिलके। काश हम इसे वहीं छोड़ाते। चल इस लोगों को मेरा गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता जैसे तुम लोग। और इस तरह हमने घूल जाइंट्स को पीछे छोड़ दिया, मगर जल्द ही हम एक और मुसीबत का सामना करेंगे और ये एडवेंचर हमें वापस गोल्डन पैलेस में ले जाएगा, मगर ये सब कुछ एक नए दिन की कहानी है। एक ऐसी जमीन बस मैजिक है जहां हर सू ताकत का समान, ना जाने कोई कौन बीज बन जाए और किसी के हाथ ना आए, साजिशें नफरतें बढ़ती ही जाए, शहजादे देख न पाए, खतरों से ना डरे ना वो घबराए, मंजिल से मिल जाए। आए शहजादे सुन को जड़ से मिटाए, आए शहजादे आए आके हर उलझन सुलझाए। स्टॉर्म बैरियर की तरफ बढ़ते हुए हमें रियलाइज हुआ कि पोटर ने हमारे नेविगेशन नीडल को जाली कंपास से बदल दिया है और हम एक ऐसे आइलैंड पर चले गए जहाँ पर घोल जाइंट्स थे, लेकिन पोटर के मसालों ने हमारी वहाँ से निकलने में मदद की और अब दुनिया साथ उस फेक नेविगेशन नीडल के साथ स्टॉर्म बैरियर में फंस जाएगी और हम अपने आरजी जहाज के साथ रवाना हुए जो हमें सेफ लग रहा था। क्या मुझे तुम बता सकती हो कि यह हवा कब चलेगी? मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि पिछले एक घंटे में आप कई बार पूछ चुके हैं। हमें जल्दी फ्रेश वाटर चाहिए होगा। फ्रेश वाटर। तो तुम ये कह रहे हो कि उन्होंने टैक्स देने से साफ इनकार कर दिया? ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे सुल्तान, बहुत गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। ओह, तो चाहते हैं कि हम उनका टैक्स माफ कर दें? तो ठीक है, इन्हें जेल में डाल दें और वहीं सड़ने दें। ऐसा मत करें। लेकिन सुल्तान, फैसला सुना दिया गया है, अब इस पर कोई बात नहीं होगी उस्मान। नहीं, हमारी बात तो सुनिए। आपका हुक्म सर आंखों पर मेरे सुल्तान। दुनियाजार, मेरे ख्वाबों की रानी, वेलकम बैक। हाँ, उस शेरजाद ने एक बार फिर मुझे धोखा दे दिया, लेकिन उसे इसकी कीमत अदा करनी होगी। मेरे पीछे आओ, एक न्यूज है। न्यूज? ये तो एक्साइटिंग है, आई लव न्यूज। तो देखते हैं क्या न्यूज है। वहाँ देखें कैप्टन, क्या वो वॉक वॉक आइलैंड है? लो, मुझे दिखा। वैसे लग तो वही रहा है। और निडल भी यही बता रही है कि वो वॉक वॉक आइलैंड है। बस देखना, हम थोड़ी देर में वहाँ होंगे। The tree of life, हम उस तक पहुँचने वाले हैं। Finally, मुझे अपनी असली हालत में आने से कोई नहीं रोक सकता। जल्दी पहुंचने के लिए अपने हाथों को तेज तेज चलाओ। तो तुम न्यूज के बारे में कह रही थी, वैसे अच्छी तो है ना वो न्यूज? अच्छी? बहुत अच्छी न्यूज है शाहजमान, बहुत अच्छी। तो
फिर जल्दी से बताए। ये आइलैंड कितनी तेजी से करीब आ रहा है ना? हाँ, आ तो रहा। ये आइलैंड नहीं है, कोई जिंदा चीज है। सिंबा, ये कोई खौफनाक चीज लगती है, तो ध्यान से। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंबा की सेना तुम्हारे साथ है। वैसे मैं पहले भी ऐसे जानवरों से लड़ चुका हूँ, और एक दफा का किस्सा है कि ये आवाज सुने। बहुत दुखी लग रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर इसने मेरे जहाज को छुआ तो मैं इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। हाँ? हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अरे वाह, उसने तुम्हारी बात कितने आराम से मान ली ना। वो दिखने में थोड़ा अजीब और बहुत बड़ा है, लेकिन खौफनाक नहीं। हाँ? क्या है इसमें दुनिया साथ? मछली? मछली नहीं है, एक सी मॉन्स्टर है। जी मैं ठीक हूँ। या ये स्टिकी है। हो गया बाहर निकलने का इंतजाम। मुझे एक ऐसी चीज मिली है जिससे मैं इसके जबड़े तोड़ सकता हूँ। सिंबा, ये मेरा पाँव है। मुझे लगा कोई डंडा है। रुको, कुछ नहीं होगा ऐसा करने से, ये नहीं टूटेगा। बाहर का मौसम वैसे भी बहुत गर्म था। मौसम? उस पे तो मुझे बहुत अच्छा गाना आता है। चलो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। थैंक यू मिस्टर फिशी यू। कैसा लगा? इनफ, तुमने मेरा मजाक उड़ाया। मैंने जितनी भी समुद्री मखलूक को शिकस्त दी है उसमें से सबसे बदसूरत मास्टर तुम हो। अब बताओ कौन हो तुम? मैं तमाम समुद्रों की दुनिया पे राज करता हूँ। और मैं हूँ करीम, सिटी ऑफ गोल्ड का नया सुल्तान। आपसे मुलाकात हमारे लिए एजाज है। और मैं हूँ अजीम सिंपाती सेलर, जिसके किस्से बहुत मशहूर है। यस, जानता हूँ कौन हो। सिंपा, काफी जिक्र सुना है तुम्हारा। देखा तुमने, ये भी जानता है मुझे। अगर तो चाहते हो जिंदा रहना तो तुम लोग अपनी सबसे कीमती चीज मुझे पेश करोगे। फौरन। क्या हमारे पास इसको देने के लिए है कुछ? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें पता है ये बहुत कीमती है, इसलिए हम उसे ये नहीं दे सकते। हमारे पास और कोई चीज नहीं है। ये नेक्रोमांटिक नेविगेशन नीडल है, ये आपको समंदर में कहीं भी ले जा सकती है। ओह नो, इसने हमारा नेविगेशन कंपास तोड़ दिया। मैं मालिक हूँ यहाँ का। छोटा सा कंपास क्या है, मुझे कुछ और चाहिए। और क्या है तुम लोगों के पास? ये लो, ये कीमती पत्थर जिसका नाम रूबी है। तुम्हें पता है ये गिफ्ट मुझे मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने दिया था, मोरगाना ने, या शायद नाजली ने, या फिर किसी और ने। मुझे ये पसंद आया जो एम्युलेट तुमने अपने गले में पहना हुआ है। क्या?
ये नहीं, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरा ट्रेडमार्क है। दे दे, अगर इससे हमारी जान बच सकती है। हाँ दे दो सिंबा। ठीक है ठीक है, ले लो ये। Well, सुनकर अच्छा लगता है कि मैं ही गोल्डन सिटी का सुल्तान हूँ। मैं सोच रहा था कि अगर मेरा भाई मर जाता है तो इतनी दौलत मेरे किस काम की है। मैंने उसके साथ गलत किया, बहुत ही इनोसेंट है वो। ओह शाहजमान, ये मुझे दो। ओह ये क्या है? आसिफा की मैजिक बुक। ये उसी की स्पेल बुक। नहीं, ये उनकी नहीं है। उसी की है, आसिफा फसीहा। वो बहुत बुरी जादूगरनी है। मैंने उसका नाम क्यों लिया? ऐसा मत कहो प्लीज। इसी ने मारा था जादूगर हारून खालिद को। दुनियाजाद इस बुक को जला देना चाहिए। मैं ये किताब नहीं जला सकती क्योंकि वो बुरी जादूगरनी मेरी माँ है। क्या कहा तुमने? यकीन नहीं आ रहा, तुमने कभी बताया नहीं इस बारे में। अगर बता देती तो क्या तुम महल में आने देते मुझे? इसके अलावा तुम्हारे पास और क्या है? ये मेरे बाबा ने मुझे दिया था। वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, उनका नाम हारून। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तुम सबको देखकर बेचैन हो रहा हूँ। हम कुछ समझ नहीं पा रहे। और किसी की मुझे याद आ रही है इसे देखकर। ये कैसे हो सकता है? किसकी? मुझे देख के? लेकिन मैं तो आज से पहले आपसे कभी नहीं मिली हूँ, तो ये कैसे हो सकता है? तुम्हें लगता है कि मैं हूँ सिर्फ एक मॉन्स्टर, लेकिन बात यह है कि हम में भी इमोशंस होते हैं। और बताएं इस बारे में। मुझे अपने बच्चों की याद आती है। मेरे 846 बच्चे, हम सब एक साथ बहुत खुश थे। फिर एक दिन कहीं से दो बदसूरत इम्स आए और मुझे तंग करने लगे, और जैसे ही मैंने उनका पीछा करना शुरू किया तो किसी ने मेरे बच्चों को पकड़ लिया। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे अभी तक जिंदा है, लेकिन वो बहुत अफसुर्दा है। वो बताते हैं कि वो किसी जादूगरनी के पास फंस चुके हैं। दुनिया साथ। हाँ, क्या तुम जानती हो मेरे बच्चे कहाँ है इस वक्त? शेख ऑफ द सी, आपके बच्चे सुल्तान के पैलेस में है और वो गोल्डन सिटी में है। तो फिर तुम उन्हें वापस लाने में मदद करोगे? हमें अपने जरूरी काम से जरा दूसरी जगह जाना है, तो इसलिए। अगर ऐसा है तो अपनी आखिरी सांस तक तुम सब यहीं रहोगे। आपका काम ज्यादा जरूरी है, इसलिए पहले हम वहाँ जा सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? गोल्डन पैलेस यहाँ से मीलों दूर है। रिलैक्स, मैं इसे यहाँ से निकलने के लिए चकमा दे रहा हूँ। बस ये एक बार हमें साहिल तक ले जाए। सिंबाद, हमें मंजूर है। गुड, तुम सबकी बॉडीज मेरे पास ही मौजूद रहेंगी। हमारी बॉडीज? तुम चाहते क्या हो एक दफा सही से बता दो बस। मेरा सॉन्ग आपको आपकी बॉडी से अलग कर देगा, वाटर स्पिरिट्स की तरह, और तुम हर उस जगह जा सकते हो जहाँ पर पानी हो। लेकिन जब तक काम मुकम्मल नहीं होगा तुम सबकी बॉडीज मेरे पास ही रहेंगी। देखो, हम सब तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं, फिर भी तुम हमारी बॉडीज को अपने पास क्यों रख रहे हो? इट्स ओके, हम दोनों अकेले संभाल लेंगे सिंबाद, क्योंकि हम दोनों को महल के हर कोने का पता है। तो चलो फिर, तुम्हारा टाइम शुरू होता है। ये
करीम? हाँ? ये तुम हो? ये तुम ही हो? हाँ, ये तो मैं ही हूँ। हाँ? हाँ? चलो जल्दी करो, चले अब। मेरा घर, ये महल, बहुत सी यादें वापस आ गई हैं इसे देखकर। वो मैं हवा में हूँ, थोड़ा अजीब है। ओह वाओ, हमें उन मछली के बच्चों को ढूंढना है। तो सोचो कि दुनिया साथ ने उन्हें कहाँ रखा होगा। हाँ ठीक है। पीछे हो जाओ। दुनिया साथ का कमरा उस तरफ है, मगर हर जगह गार्ड्स मौजूद हैं। मेरे पास एक आइडिया है। रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं गार्ड्स को संभालता हूँ, तुम मछलियों को तलाश करो। ध्यान से। डोंट वरी, हम वापस फाउंटेन पे मिलते हैं। ये राज हमारे दरमियान ही रहना चाहिए शाहजमान, भूलना हरगिज नहीं कि आसिफ फासिह मेरी माँ हैं। समझ गए? यस। गुड। सुल्तान, सुल्तान, खबर ये है कि वो वापस आ गए हैं। ये पता नहीं, आप खुद ही चल के देख ले हुआ क्या है। क्या क्या हो रहा है, दिखाओ मुझे। ये मैं हूँ प्रिंस करीम, इस पूरी सल्तनत का असल हकदार। और मैं तुमसे कहता हूँ कि इन बेगुनाह कैदियों को इसी वक्त रिहा कर दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहाँ जाओगे मुझसे बच के? प्रिंस करीम, क्या आप आ गए हैं या ये सिर्फ हमारी नजर का धोखा है? यकीन दिलाता हूँ मैं अपनी असली हालत में बहुत जल्द वापस आऊँगा और अपने भाई की नाइंसाफियों को खत्म करूँगा। ये क्या, करीम का भूत कैसे हो सकता है? क्या, करीम का भूत? दरवाजा खोलो जल्दी। ये सब शेरजाद का काम है, वो यहीं पर है, तलाश करो महल में। आसिफ अफसिया, आसिफ अफसिया, खौफनाक चुड़ैल, आओ खौफनाक चुड़ैल। ब्रदर, मेरा भाई आ गया वापस। मेरे करीब मत आना, भूत, जाओ प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, जाओ। मैं हकीकत में भी वापस आऊंगा ब्रदर, अपने तख्त पर बाबा की इज्जत के लिए। याद रखना मेरी बात। ये साउंड तो शेक ऑफ द सी पे सुना रहा था, ये आवाज आ कहां से रही है? प्यारे बच्चों, चलो घर ले चलूं तुम्हें मैं। ऐसा सोचना भी मत शेरजाद, ये और तुम कहीं नहीं जा सकते। दुनियाजाद, दुनियाजाद, करीम का भूत वापस आ गया, मुझे डरा रहा है। ये एक और भूत। डरना बंद करो, मैं संभाल लूंगी। आसिफा फासिहा का निशान, ये मेरी किताब है, वापस दो मुझे। ये तुम्हारी मॉम की थी ना? क्या कहा? गलती से। इसकी मॉम की? ये किताब चाहिए तो ये लो। एम्स, पकड़ो उसे। मारा।
किसी भी तरह फाउंटेन तक जाने से रोको। डरो मत, ये सिर्फ नजर का धोखा है। उस्मान, ये मैं ही हूँ, करीम। आप हमारा पीछा करना छोड़ दे, जाने दे हमें। खामोश, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, कुछ भी कहते रहो, समझे? शाहजमान ने मुझे एक ब्लू कलर का मॉन्स्टर बना दिया है। शेरजा सिर्फ मेरी मदद कर रही है, जो कि आपको भी करनी चाहिए। मुझे पता है आपको भी शाहजमान पे यकीन नहीं है ना। बस खामोश रहो, बात हो गया। आप जानते हैं यही सच है, सोचिए जरा। नो, कोई सच्चाई नहीं तुम्हारी इन सारी बातों में। करीम, रोको उसे। उस्मान, रुक जाओ। चलो जल्दी। हो सकता है कि हमें वापस आने में वक्त लगे। हाँ, लेकिन हम वापस जरूर आएंगे। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। आप लोगों को वापस देखकर खुशी हुई। हम इन्हें ले आए, हम आपके बच्चे वापस ले आए। मेरे बच्चे वापस आ गए, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हाँ? क्या आप हमें ऊपर ले जाएंगे हिफाजत के साथ? मैंने जो कहा था वो करूंगा। ये शेल उठाओ और ब्लो करो इसे। इस आवाज के साथ तुम मुझे किसी भी साहिल पर बुला सकते हो, मैं जरूर आऊंगा। रुको, मेरा एम्यूलेट, मेरा एम्यूलेट, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। किसने आजाद किया है इन्हें? मेरे सुल्तान, अफवाह तो यही है कि ये आपके भाई के भूत की हरकत है। एक भूत ने आजाद कर दिया उन्हें, क्या ये हो सकता है? सॉरी मेरे सुल्तान। तो दुनिया आजाद आसफा फसिया की बेटी है, जबरदस्त। वहाँ देखो, हम पहुँचने वाले हैं। वॉक वॉक आइलैंड, आखिर आ ही गया। तो ये है ट्री ऑफ लाइफ। तो फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच ही गए। हम वॉक वॉक आइलैंड तक पहुँच गए और ऐसा लग रहा था कि ट्री ऑफ लाइफ तक भी पहुँच जाएंगे, लेकिन पता चला कि ये इतना आसान नहीं था। मगर ये सब कुछ एक नए दिन की कहानी है।